अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन द बॉयज मीम्स बाय गुरु बोलते। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो नाम मनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल रखने वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। राम राम सारा ने, आज है मेरा 75 वार्ड का 24वां दिन। पानी पी के फ्रेश होकर खाए ड्राई फ्रूट, पापा जोर लेकर जोर भी तरगेर दी, फिर थोड़ी सिम आगे हेल्प करी, दूध पीना दे, सब काम करने पड़ेंगे। और वर्कआउट था पहला, पसीना बहुत ज्यादा आ गया था। फिर हमने करी 3 किलोमीटर रनिंग, उसके बाद स्प्रिंट, फिर फैट लॉस की डाइट और वर्कआउट की वीडियो बनाई जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में। फिर हमने करी 300 दंड, 200 पुशअप, 200 रेपिटेशन करी पावर ट्विस्टर, ना तो काम बैठ के गीता पढ़न। आज हमने गीता में पढ़ा, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह उसी भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। फिर हमने खाई रोटी और हरन महादेव बोल के हम चले गए ड्यूटी पे। और फिर बारिश आ गई और मैं सारा भीग चुका था। काम खत्म करके घर आ गया, थोड़े से हाथ पैर खोल के मैंने करी रनिंग, फिर हमारी स्प्रिंट, 500 स्टेयर करके हमारे जंप, फिर थोड़ा सा करा डांस, फिर प्रोटीन पी का ना दोगा खाई रोटी, और इसी के साथ पानी वाला टास्क पूरा। यार ये आज की सेल्फी, आज के सारे टास्क हो गए कम्प्लीट। बोलो जय श्री राम, जय भारत। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल भाई, ये मेरे को जेन्युइन बता रहा है, लॉकअप में जा रहे हो नहीं जा रहे? भाई बिल्कुल जा रहा हूँ ना, बात हो गई मेरी। तो एक दिन में बाहर आओगे, दो दिन में? भाई देखो मेरी बात सुनो, करूंगा मैं वही जो मैंने वहाँ किया था, चाहे एक दिन में आऊँ या घंटे में, मुझे कोई लालच नहीं। अरे बाप रे, एडवांस में बस कर दिया। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आज तुम्हें पैसे भी मिल रहे हो, डेट पे जाने का मौका? हाँ पैसे भी मिल रहे हैं, मोटे पैसे भी मिल रहे हैं और डेट पे जाने का मौका है। भाई ये बताओ, मुझे जेन्युइन बताना, तुम्हारे को सबसे घटिया कंटेस्टेंट कौन लगा बिग बॉस का? घटिया कंटेस्टेंट पूजा जी, लव यू। अगर बिग बॉस 17 का ऑफर मिलेगा तो जाओगे? नहीं भाई। क्यों भाई? भारी इतना का, भारी इतना नाम, अब लोग मुझे गालियां देंगे, मेरे फैंस ने सपोर्ट किया है। भाई क्या हाल चाल है, स्वागत है आपका मीम्स की दुनिया में। ये वीडियो सिर्फ फन के लिए है तो कोई भी बंदा सीरियस मत लेना, लाइक और शेयर करना मत भूलना। वीडियो को शुरू करते हैं आपकी पसंदीदा इंट्रो के साथ। यार अच्छा मेरे को बता, कोई आदमी अगर रोडीज जीता हो, हाँ, उसके बाद स्प्लिट्स वाला जीता हो, हाँ, और उसके बाद बिग बॉस जीता हो, हाँ, इसमें कुछ भी नहीं? हाँ कमजोर आदमी को बेटा गुस्सा बहुत जल्दी आता है। अब तेज, अब चिल्ला 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 ओ पेटे। हाँ ये मैं इसलिए नहीं बोलना, बोलना चाहता हूँ ये कि तेरी लैंग्वेज है। सुन अच्छा, मेरी लैंग्वेज मुझे बता रहा है क्या है? अबे अपना कुछ बता भाई। तेरी मम्मा या तेरी बहन कोई काम करे, क्यों ना कर भाई, बात मत कर, क्यों ना कर, फैमिली के बारे में बात करी, क्यों ना कर, तेरी फैमिली के बारे में बात करी, मेरे से बात कर। सुन क्या हुआ, मेरे से मेरी नहीं ले पा रहा तू? आई चैलेंज यू ब्रदर। अच्छा अभी हाँ तू मेरी फील्ड में आएगा और मेरे साथ टास्क करेगा। अच्छा तूने बता दिया, मैंने मान लिया, जानी तू मेरे से ऐसे बोलेगा? सुन ऐसे बोलेगा, हाँ ऐसे बोलेगा तो करवा ले टास्क। आपको एल्विश पसंद है? बहुत भाई, लगता आपके प्यार में गिर गई भाई। बहुत नहीं भाई, नहीं। सारी उम्र मैं जो कर जा बड़े आ रहा तेरे। क्या आपको मालूम है कि चंद्रमा के ऑर्बिट में कोई और भी था जो चंद्रयान 3 के स्वागत के लिए पहले से ही मौजूद था? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। कोई से हमारा मतलब एलियन से नहीं है। चंद्रयान 3 जब चंद्रमा के लोअर ऑर्बिट में पहुंचा तो वहां पर चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर मौजूद था। दोनों के बीच में संपर्क हुआ, चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 का स्वागत भी किया। चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 से कहा, बिल्लो बग्गे बिल्ले यहाँ दा की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्ले यहाँ दा की करेंगी, बिल्लो बग्गे बिल्ले यहाँ दा की करेंगी। वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में। मजा आया, मजा आया, वाह। और बीच बीच सामने इडली 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 इडली, अच्छा किया नहीं? अय्यर भाई को खाने का मन हो गया होगा।
एग्जाम्पल क्या सेट कर रही है वो, उसके भी तीन बेटियाँ, क्या वो ये एग्जाम्पल सेट कर रही है कि भैया बड़ी हुई हो, निगाह करी हो, एक पसंद ना आए दूसरे के पास चली जाइयो। आजकल तो प्यार दीवाना होता, मस्ताना होता टाइप का मामला है सर, ये बेकार की बात है, ये फंस गया। शादी हुई आपकी? आंटी और भी कितने बच्चे? शादी हो रखी है। कितने बच्चे? मेरे दो बच्चे हैं। आप यहाँ कितने टाइम रहते हो? मैं रहता हूँ फुल टाइम रहता हूँ। फुल टाइम नहीं, 24 घंटे तो नहीं रहते? नहीं नहीं, फुल टाइम जितना टाइम है आप। जितना टाइम है। वाइफ क्या करती है आपकी? वाइफ हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ है। अगर पीछे वो पबजी डाउनलोड करके किसी और के चक्कर में पड़ गई और वो चली जाए तो ये माइक लेके अपने सिर को पीटते फिरोगे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो गाइस, ये लोग अच्छे अच्छे लोग का जॉब खा जाएंगे जिन्होंने महेश भट्ट को बहुत फेमस कर दिया है। फ्लैशबैक। महेश भट्ट पर क्या कहना है आपका? महेश And thanks to everyone. Oh my God, thank you so much. Thank you. क्या बात है? इससे पहले जाए मैं एक सबको एक राज यहाँ पे खोलना चाहता हूँ। असल में क्या है, जेठालाल जी जो हैं वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप पे लाइन मार रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। उसके पीछे का कारण मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जरा एक फोटोग्राफ देखें आप प्लीज। अरे यार क्या है ये? मेहनत बेटा करता रह गया, बाप बाप होता है, इन्होंने दिखा दिया। एक बार जोरदार ताली। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कान खोल के सुन ले काके, इस कुड़ी का विवाह मेरा सपना है, सपना जिथे मेरा जी करेगा उथे करांगा। प्लीज अंदर जाना, मेरा पर्सनल मैटर। ओ अंकल जी, सिस्टम पार देंगे। कंट्रोवर्सी करेट मिलूगी, धर्मा दे नाम ते डिबेट मिलूगी, सच बोलेगा ता मिलू 295 जे करेगा। नित कंट्रोवर्सी क्रिएट मिलूगी, धर्म दे नाम ते डिबेट मिलूगी, जे सच बोलेगा ते मिलू 295 जे मिलूगी। खतरनाक आशिका भाटिया वाला था। मुझे भी लगा ऐसे क्या बोल रही है, किसी ने पूछा ना एलविश यादव आपको बोल बहुत, मैं बोली माँ कसम ये कैमरा पे क्या बोल रहे। और सबसे पहली चीज, जब वो जानती है कि एलविश को मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और होगी भी नहीं, बिकॉज उन्होंने सबको ऐसे वन हैंड डिस्टेंस ही रखा बिग बॉस के घर के अंदर, तो ये ऐसी चीजें कैसे बोल रही है। मैं थोड़ा सोच में पड़ गई, देखा तो उसने फटाक से उसके बाद क्या बोलते उसको अपने शब्दों को वापस ले लिया। ओ प्रिंस नरूला वाला मैंने ना बहुत से क्लिप्स में देखा है, इतनी क्या खुलने से उस लड़के को प्रिंस से, मतलब मेरे को ना बैक स्टोरी बिल्कुल भी नहीं पता। इतना गुस्सा, इतना उसको नीचा दिखाने में पड़ा लगा हुआ है, नीचा दिखाने में लगा हुआ है। पुणे सुपरस्टार की वजह से मुझे लगता है लॉकअप देखना जरूरी है। क्योंकि यह तो इंसान डायरेक्ट मुंह पे बोलता है, बोल रहा है कि जो मैं हूं वैसा ही मैं उधर भी रहूंगा, तो पता नहीं शायद एक दिन में आ जाओ, दो दिन में आ जाओ, जो भी है तो देखना तो पड़ेगा यार। जो भी हो, मैं तो इंटरेस्टेड हुआ अभी, मैंने पहले कभी देखा नहीं है ये लॉकअप, पिछला वाला नहीं देखा मैंने, तो इस बार जरूर देखूंगी क्योंकि आप पे लगेगा, राइट। तो ये मेरा रिएक्शन ऑन द बॉयज मीम बाय गुरु बोलते। आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, जितना हो सके शेयर करो, कमेंट करो प्लीज, और सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत निहाल ले, बाय।